ओके भाई, नेक्स्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज है। और ये जो न्यूज है ये है बिटकॉइन और किडनैपिंग के रिलेटेड। जैसा हम लोग हमेशा बताते हैं कि बिटकॉइन की वजह से कुछ चीजें काफी एडवांटेज दे रही हैं, कि बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन किसी बैंक से नहीं होती तो तेज होती है और वो सारा कुछ। लेकिन बिटकॉइन का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि बिटकॉइन को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है कि किस बंदे के अकाउंट में बिटकॉइन जा रहा है। और यही वजह है कि रिसेंटली ये केस सामने आया है जहां पर दो फॉरनर्स किडनैप हुए और उसके बाद उनका जो रैंसम था वो बिटकॉइन की फॉर्म में मांगा गया। लोगों ने कहा कि हमें, जो किडनैपर्स थे उनने कहा कि हमें जो बिटकॉइन है वो दें और उसके बाद हम जो है अलाउ करेंगे। और जो बिटकॉइन की अमाउंट उनने ली है वो काफी ज्यादा बन जाती है। और यही वजह है कि अब जो डिफरेंट एजेंसीज हैं वो इतनी ज्यादा सीरियस हुई हैं। यहाँ पर जो अमाउंट सामने आई है वो 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा है। टोटल अमाउंट की बात की जाए तो 147 लाख के करीब की जो अमाउंट है वो यहाँ पर ली गई है। और ये बिटकॉइन की फॉर्म में ली गई है जो कि बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तकरीबन 1.86 बिटकॉइन बन जाते हैं। अब क्योंकि बिटकॉइन को ट्रैक करना आसान नहीं है तो ये जो FIR रजिस्टर तो हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो ब्लैकमेलिंग थी वो चल रही थी और ये इतना खतरनाक लेवल तक इसी चला गया। वजह से ये हमारे यहाँ पे ना अभी अलाउ नहीं कर रहे इस चीज को, शायद कि इस्तेमाल लोगों ने बहुत ज्यादा गलत करने लग यार जाए। लेकिन मतलब अब आई बिलीव के इसका तरीकेकार निकालना चाहिए वो ना। भी हाँ, ये चीज भी है ना कि कोई हम आप लोग, तरीका निकाल लो लेकिन उसको खत्म ना कर दो हाँ चीज हम को। लोग सीधा खत्म कर देते हैं, उसका तरीका निकालते नहीं है हाँ और बाद ये में वो चीज चीज है पूरी दुनिया में चलने लग जाती है। फिर हम उसको लेकर आते हैं, फिर भी हमने तरीका बाद में भी तो आज से 10 साल बाद बिल्कुल, भी तो निकालना है ना, तो वो भी निकाल लेते हैं। हम आंखें बंद करने वाले लोग हैं हम ना। सोच रहे हैं बाकी निकालने कोई हाँ वो हमारे यहाँ हर तरीका बंदा जो जॉब कर रहा होता है ना या जो गवर्नमेंट में है वो कहता है वो अगले देखेंगे, हम तो बस बैन कर उन्होंने देते कर ही हैं। लेना है। हाँ